अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शेख आज़म और मैं लाया हूँ आपके लिए जर्मन लैंग्वेज कोर्स का एक नया लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर एक छोटा सा है। हेलो दोस्तों, हेर्सलिश विलकोमन, माय नाम है शेख आज़म और हॉटे हाबेश फे ओश आइन क्लाइन इस्तेमा। और आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस विद या नाइन ऑर्डर डॉक। उन होते माखन या जेट से मित या नाइन ओडा डॉग। और इससे पहले कि हम लेके स्टार्ट करें, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो उनको मिल सके। आज से मैं आपसे कुछ जर्मन में ही बात करूंगा क्योंकि हमारा लेवल अप बढ़ चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो वी फांगन उनजरे लेक्सियन अन। आपको या नाइन फ्रागे बनाने तो आते हैं जिसमें हम वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दें तो ये एक या नाइन फ्रागे बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया। वॉन्स टू इन लाहौर, क्या तुम लाहौर में रहते हो। हमने ए वर्ब में या नाइन फ्रागे बनाने सीखे थे जो कि बहुत आसान है। सिर्फ वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दें तो ये या नाइन फ्रागे बन जाते हैं। इस सेंटेंस में देखें कि मैंने वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया तो ये बन गया है एक या नाइन फ्रागे। जैसे कि वॉन्स टू इन लाहौर, क्या तुम लाहौर में रहते हो। तो अगर तो वो लाहौर में रहता है तो वो कह देगा या, तो उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो लाहौर में नहीं रहता तो वो कह देगा नाइन, तो उसका आंसर फिर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो साथ कहना चाहता है कि वो कहाँ रहता है तो वो कहेगा नाइन इश वन इन कराची। वेरी इजी। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल देखें। हाज तू हंगो, आर यू हंगरी। आंसर क्या हो सकता है। नाइन इश हावे खाइनन हूंगा, नो आई एम नॉट हंगरी। अब हम देखते हैं दोह को। मुझे याद है कि जब मैं A1 का कोर्स कर रहा था, जब ये दोह पहली दफा मेरे सामने आया था, मैंने पूछा था कि सर दोह का मतलब क्या है। तो सर ने हमें बताया था कि दोह का मतलब है हाँ हाँ। तो हमने कहा ठीक है। तो उस वक्त दोह का मीन ही हमारे लिए बहुत था। इसका यूज़ हमें कुछ भी नहीं पता था। मैं आप बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। दोह के यूज़ के लिए हमें एक नाइन फ्राग चाहिए होता है और वो भी नेगेटिविटी के साथ। कैसे, ये देखें। इस सेंटेंस को गौर से देखें। हाज तू दैने आरबाइट निश्त फैतिश के मात, क्या तुमने तुम्हारा काम ख़त्म नहीं किया। इस सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे नेगेटिविटी शो हो रही है, नहीं किया। तो इसके आंसर में हम दोख इस्तेमाल कर सकते हैं। दोख इस हावे मायने आरबाइट फैतिश के मात, दोख यहाँ पे हम हाँ हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखें। तिंग सुखाइने मिल्च, क्या तुम दूध नहीं पीते। तो ये सेंटेंस में नेगेटिव सेंस शो कर रहा है तो इसके आंसर में भी आप दोख यूज कर सकते हैं। दोख नुआ मॉर्गेंस इम काफे, दोख सिर्फ मॉर्निंग काफे में। बिस्तु निश्च म्यूरे, अब इस सेंटेंस में भी ये निश्च है, ये नेगेटिव सेंस शो कर रहा है। क्या तुम टायर्ड नहीं हो, तो वो क्या आंसर देते हैं। दोख इश बिन ज़ेया म्यूरे, के हाँ हाँ मैं बहुत टायर्ड हूँ। हाज तू खाइन आउटो, क्या तुम्हारे पास कार नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने कई सेंटेंसेस खाइन यूज़ किया और कई में निश्त यूज़ किया। खाइन और निश्त कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं,
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस सेंटेंस के आंसर में भी दो इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ऑटो है और आपने जवाब देना है कि हाँ मेरे पास ऑटो है, तो कैसे कहेंगे? तो इश हैव ए ऑटो। तो जब आपने किसी के नाइन फ्रागे जिसमें नेगेटिविटी भी हो का आंसर देना हो, तो आप उसमें दोह का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।